सत श्री अकाल, मैं आज सतिंदर सत्ती एंड वेलकम टू माय सोल ब्लॉग्स। सत श्री अकाल, मैं आज सतिंदर सत्ती एंड वेलकम टू माय सोल ब्लॉग्स। थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग ऑल द ब्लॉग्स। और थोड़ा जब मैं फन भी जड़ा एलीमेंट ऐड करना शुरू किया, सारे ने बड़ा उन्होंने अप्रीशिएट किया। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जिंदगी के विच कल मैं थोड़ा दस दिया जो मर्जी करो, पर एक चीज़ है कि जिंदगी के विचों खुशी जितों भी मिले, अपनी जिंदगी दे जोड़ा मज़ा है, बेसिक मज़ा कि इंजॉय करना लाइफ नू, लाइफ च खुश रहना, उन्हों कदी नहीं छड्डना। वो तुसी अपने आले दुआले कुदरत च जाके कर सकते हो, अपने घर च जिथे लोकां नाल रह रहे हो उन्हां नाल अपने अच्छे संबंध बना के कर सकते हो, कोई फिल्म देख के कर सकते हो, कोई किताब पढ़ के कर सकते हो, उसका कोई मोल नहीं है। बट द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ दैट यू हैव टू बी हैप्पी। हैप्पीनैस अगर है, जिथे खुशी है, उत्थे बाकी चीज़ां हौली हौली अपने आप आ जानियां ने। राइट, गल समझ आई कि नहीं? पर आज जिस गल बारे मैं जिक्र कर रही हाँ वो ये है कि प्रॉब्लम्स हर बंदे दी जिंदगी च आंदियां ने, ते फिर बंदा करे की? हर बंदा, मतलब तुसी एक छोटा बच्चा देखो उन्होंने भी कॉम्प्लीकेशन है, एक बड़ा बंदा देखो उन्होंने भी कॉम्प्लीकेशन है। हर बंदे को इस तरह लग रहा है कि मेरी जिंदगी दूसरे की जिंदगी तो सब तो ज़्यादा खराब है, मैं करा, और समझ किसी को नहीं आ रही कि इस मुश्किल का हल की है। मैं जिन्ना कुछ समझी हाँ जिंदगी को, तुहानू दस रही हाँ कि प्रॉब्लम्स कदी खत्म नहीं होणगियां। जिंदगी जिसका नाम है ना, वो हर रोज़ एक नवी मुश्किल का सामना करन दा नाम है। ये जिंदगी की गेम जिहड़ी रब ने बनाई है ना, बड़ी इंट्रस्टिंग बनाई है। जिसनों इस गेम नू समझ आना शुरू हो जाता है, वो अपनी जिंदगी नू शानदार खेडदा है। तो जिन्होंने बेचारियां नू गेम की समझ नहीं आती, तो उन्हां दे गोल ते गोल हुंदे रहिंदे ने। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होणियां। प्रॉब्लम्स भी की ने कि असी अपनी जिंदगी नू बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा असी उलझा लेने। फॉर एग्जाम्पल, अगर साढ़े कोल नौकरी नहीं है तो पहले असी सारी मेहनत करते हैं कि किसी तरीके नाल सानू चंगी नौकरी मिल जाए, चंगे जगह दे विच, चंगे इंस्टीट्यूशन च नौकरी मिल जाए। जदों नौकरी मिल जाती है तो साडी प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती है कि ओहो, उत्थे तो 9 to 5 काम करना पैंदा है यार, मैनू कोई इतना सौखा काम नहीं मिल सकता। फिर तुसी उस नौकरी तो पिछा छड़ा दी, तो प्रॉब्लम आ जाती है। फिर तुसी उसे उत्थे क्रिएट कर लेंदे, क्योंकि तुसी खुश नहीं हो ना। तो आले दुआले दे लोग इस तरह लग रहे ने, ये मैनू चाहते ही नहीं कि मैं इस जगह पर रवां। राइट, किसी कुड़ी दे नाल तुहाडा या मुंडे दे नाल अफेयर है, पहला तुसी उन्होंने पाउण दे लई मेहनत करदे हो, वो जदों मिल जाता है फिर उस तो पिछा छड़ाना चाहते हो भी हुणे मेरी जिंदगी चो जाए किस तरह। इसी तरह कोई चीज़ अगर छोटा घर मिलता है तो बंदे नूं लगदा ओहो हुण ते वड्डा होना चाहिए। कॉम्प्लीकेशनस असी आप वधाईयां ने। अगर जिंदगी नूं तुसी सिंपल कर लोगे ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, आसान, तो मनना जिंदगी नू जीवन का मज़ा हो रहा, और यूनीवर्स मैजिक थोड़ी जिंदगी च रोज़ होंदा है। उसके लिए करना की बड़ा आसान जहा काम है कि तुसी अगर कोई मुश्किल है, थोड़ी जिंदगी दे विच कोई भी प्रॉब्लम है, सोच लो कि वर्स्ट तो वर्स्ट की हो जाएगा, की प्रॉब्लम दा की हो जाएगा। नौकरी चली जाएगी, मैं पढ़ाई मेरे को नहीं होएगी, दैन वॉट नैक्सट। उत्थे परेशान होकर अपने 2-4 साल खराब करने की बजाय, अगर उत्थे नहीं तुहाडा मन लग रहा या तुहानू वो मुश्किल तुसी इन्नी वधा ली है और तुसी अपने मन नाल उसनू शांत करके सिंपल नहीं कर रहे, तो सिंपल जी गल है कुछ होर कर लो। अपने आप नू समझण दी कोशिश करो। हर समस्या दा समाधान तुहाडे कोले, और मुश्किलां दे विच जदों तुहाडे ते कोई मुसीबत आउंदी है, उहदे विच ना इंसान तुसी देखोगे कि जिन्नियां भी वड्डियां क्रिएशनस ने ना, वो मुसीबत चो होंदियां ने। जदों किसी इंसान ते बहुत ज़्यादा दुख का मौका आंदा है, पैसा चला जाता है, फिर वो बहुत मेहनत करके वन ऑफ द टॉप लाइन बंदा बनता है। इब्राहिम लिंकन उसकी उदाहरण ने। वो मैनूं लगता राजनीति दे विच बड़ी बड़ी देर तक फेल होंदे रहे, बड़ी देर तक, मतलब किसी भी उन्होंने इलेक्शन च लड़ना हार जाना, किसी इलेक्शन च लड़ना तो हार जाना, पर अखीर च वो प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका बने, क्योंकि उन्होंने मुश्किलों ने उन्होंने सिखा के इन्ना तजर्बेकार कर दिता। वह हर बार अपनी मुश्किल दे विचों होर सख्त होकर निकलते रहे, उभरते रहे, डिगते रहे, उठ के फिर भजते रहे कि पार्टी नूं लगा कि इहदे तो सियाणा बंदा साडे कोल है ही नहीं है, तजर्बेकार सियाणा। सो अपने आप नूं सिंपलीफाई करो, भजो नहीं। भजनट जिहड़ी अंदर ते बाहर दी हलचल है ना, जिंदगी असल च उन्हें खराब की हुई है। बाहर भी ठहरो, रोटी खानी है, काली काली रोटी खा रहे हो, जिस रोटी नाल वाइब्रेशन नाल खा रहे हो अगे मुसीबत खड़ी होएगी। थोड़ा काम कर लो पर शांति नाल करो। जदों तुसी अपने नाल बैठोगे ना, अपने सवालों दे नाल बैठोगे, अपनियां मुश्किलों नूं एड्रैस करोगे। भजो नहीं अपनियां मुश्किलों तो, देखो उन्हें ध्यान नाल देखो, 2 दिन उसके नाल रहो, सोचो उसके बारे, उसके नाल रहो, उस मुश्किल नूं अपने शरीर ते अपने अंदर बाहर जियो, उसका हल तुहाडे कोले मिलेगा। हर बंदे दे नाल इस तरह ही है, हर बंदे कोल मुश्किलां ने। जिहड़े फेसबुक ते इंस्टाग्राम ते वधिया फोटोआं पाते हैं ना, वो भी प्रॉब्लम च ने, उन्होंने कुछ होर तरह दी प्रॉब्लम्स ने। बट सिंपलीफाई योर लाइफ। तुसीं वेखिआ अज तो पहला लोग 30-40 साल पहला लोग किन्ने सिंपल हुंदे सी। साडे माँ प्यो वेख लो, कोई बहुती उन्होंने वड्डियां गड्डियां दी तांग नहीं सी, कंपीटीशन नहीं सीगा मार्केट च इन्ना कि मैं तुहाडे तो अगे निकलना, उन्हें मेरे तो अगे निकलना। और लोग अपने आले दुआले शाम नूं जांदे सी, 4 बंदे इकट्ठे हुंदे सी, हस खेड के जिंदगी नूं बतीत करदे सी। अज तुहानूं नहीं लगदा सारे लोग हसना खेडना भुल गए ने ते लगदा कि मेरे नाल वाला इत्थे पहुंच गया, मैं क्यों नहीं पहुंचिया, मैं इहनूं करके दिखावांगा। उहदे च नुकसान किसी का नहीं है, नुकसान सिर्फ तो सिर्फ तुहाडा है, क्योंकि तुसी अपनी जिंदगी नूं आयाब बना रहे हो। अगर जिंदगी नूं खूबसूरत बनाउणा है तो जिंदगी नूं आसान बनाओ, सिंपल बनाओ, सादा बनाओ। जदों सादा बनाओगे ना तो जिंदगी तुहानूं खूबसूरती नाल, खुशियां नाल लद देवेगी। पर उसदे लई सब तो पहला जरूरी है अपने आप नाल बैठो, अपनियां खुशियां नूं लभण दी कोशिश करो और अपने आप नूं सादा जीवन दी कोशिश करो। जे गल मनोगे तो मैनूं पूरी उम्मीद है कि तुहाडी जिंदगी दे विच जरूर चेंज आएगा। और अगर वीडियो चंगी लगी तो प्लीज़ बाकी लोगों का भी सानू जरूर हैल्प करनी चाहिए। अपने वो 4-5 दोस्त जिन्होंने तुम बेहद मुहब्बत करते हो और तुहानूं लगता है इस वेले वो मुसीबत ने, उन्होंने ये वीडियो जरूर भेजो। जिंदगी कित्थे केड़ी कही हुई गल किस दे जीवन नूं बदल देवे कोई पता नहीं, हो सकता है ये बदलाव तुसी इस वीडियो के जरिए करो। सैलीब्रेट लाइफ।